चंदन क्यारी चास चंदन क्यारी में बिजली की अनियमित आपूर्ति को लेकर सर्वदलीय का एक प्रतिनिधि मंडल चास बिजली ऑफिस पर अधीक्षण अभियंता मुकुल कुमार को ज्ञापन सौंपकर यथाशीघ्र बिजली व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। आपको बताते चले क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद प्रतिनिधि नारायण साहब ने बताया बिजली कटौती से व्यवसायिक किसान वर्गों पर खासा असर पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अविलंब बिजली बहाल नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चंदन क्यारी से मुकेश कुमार महता की रिपोर्ट। सर्वदलीय कमेटी अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में आए और चंदन क्यारी में अभी एक घंटा बिजली दी जा रही है। 24 घंटा में एक घंटा बिजली, जिससे चंदन क्यारी के लोग बहुत आक्रोशित है, चास का लोग आक्रोशित है। आज ऐसी साहब से जो वार्ता हुई, जिसमें वार्ता में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे सबने अपनी अपनी समस्या को गिनाया और ये चेतावनी दिया कि एक सप्ताह के अंदर बिजली में सुधार नहीं आया, कम से कम हम लोग को 20 घंटा बिजली चाहिए। अगर बिजली एक सप्ताह के अंदर नहीं देते हैं तो आने वाला दिन सोमवार को फिर दोबारा हम लोग आएंगे और समाधान नहीं होने पर तालाबंदी करेंगे। चंदन क्यारी में क्या स्थिति है? आप विद्युत विभाग के सांसद प्रतिनिधि ऐसे हैं। देखिए चंदन क्यारी 24 घंटा में एक घंटा बिजली मिलता है, कभी कभी दो घंटा बिजली मिलता है। वहाँ का स्थिति बहुत भयावह है, गर्मी से लोग परेशान है, छोटा छोटा व्यापारी रोजगार नहीं कर पा रहा है, स्टूडेंट लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, घर की स्थिति बिजली की कमी के चलते सारे लोग परेशान हैं। पूरे क्षेत्र में बिजली विभाग के खिलाफ में लोग आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि ये जो बिजली विभाग है इसकी लापरवाही है। एसी साहब को हम लोगों ने कहा है कि सबसे पहले आपका जो तंत्र है, आपका जेई एसडीओ, आपका जो बिजली का कर्मी है, उन लोगों को अपनी रवैया पर सुधार लाइए, फोन को चालू करें। जनता फोन करती है तो उसका समाधान करने के लिए आप अपने स्तर से एसी साहब इसका पहल करिए, और यदि पहल में कमी आई, एक सप्ताह में सुधार नहीं हुआ तो एसी ऑफिस में ताला लगा दिया जाएगा। धन्यवाद। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।